हेलो गाइस, आई एम डोरा क्वीन फ्रॉम डोरा क्वीन चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आज मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो में, और आज की वीडियो होने वाली है मिराकुलस के ऊपर। तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखना। और आजकल तुम लोग तो बिल्कुल भी मिराकुलस से रिलेटेड फैक्ट वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देखते, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना। और वो जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबा देना। मुझे इस साल में ही कम्युनिटी टैब चाहिए, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारे प्यारे गैब्रियल एवरेज जो अपनी वाइफ के चले जाने के बाद बहुत से गुमसुम से हो गए हैं, तो सीज़न वन में हॉकमोथ और गैब्रियल एवरेज को देखने के बाद किन किन ने पहचान गए थे कि दोनों असल में एक ही है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आप लोगों को शायद से ये लगता होगा कि गैब्रियल एवरेज बहुत दुखी है इसलिए हॉकमोथ बन गए हैं। असल में नहीं, शंघाई जो मूवी थी लेजेंड ऑफ लेडी ड्रैगन्स वाली, उसमें हमें ये दिखाया गया था कि हॉकमोथ यानी कि गैब्रियल एवरेज जहाँ पे वो ड्रैगन वाली मिराकुलस थी उस जगह को तुड़वा दे दिया था, और उसके बाद फ्रे की डैड को मार दिया था। तो ये उन्होंने 15 साल पहले किया था। अगर आप लोग ये सोचते हैं हाँ उन्होंने किया क्योंकि उनकी वाइफ चली गई थी और उन्हें लेडी बग और कैटनर से फाइट करनी थी इसलिए, लेकिन नहीं, उनकी वाइफ 15 साल पहले नहीं गई थी, मरी नहीं थी, बल्कि वो 1 साल पहले ही मरी थी। हाँ, जब हमें मिराकुलस की फर्स्ट एपिसोड दिखाई जाती है उस तभी शायद से गैब्रियल की वाइफ मर गई थी उसके कुछ कुछ महीने पहले या फिर 1 साल पहले, ऐसा कुछ होगा। लेकिन 15 साल पहले तो सब कुछ ठीक था, तो फिर क्या ऐसा वजह था जो वो मिराकुलस वाली मंदिर को तुड़वा दिया था? पता नहीं, शायद से वो दुनिया की शक्तिशाली इंसानों में से एक होना चाहते थे, ऐसा हो सकता है। एनीवे, इन सब बातों को छोड़ो, तो अब हम चलते हैं दूसरी फैक्ट पर। हम हमेशा ही देखते हैं कि विलेंस हमेशा सुपर हीरोज को नुकसान करते हैं या फिर उनसे नाराज़ होते गुस्सा होते हैं, लेकिन हमारे गैब्रियल एवरेज यानी कि हॉकमोथ हमेशा लेडी बग पर भरोसा करते, क्योंकि उसका बेटा जब नुकसान में पड़ता है तब तो सिर्फ लेडी बग ही बचाने को आती है। जैसे कि जब एड्रियन का बॉडीगार्ड अगुमाटाइज हो गया तो एड्रियन उस बिल्डिंग से कूद गया था, और प्लैग ने बोला भी था कि तुम कैटनोर में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, लेकिन उसने बोला मुझे लेडी बग पर भरोसा है। और हॉकमोथ भी यही बोल रहा था कि लेडी बग बचा ही लेगी मेरे बेटे को, हमेशा ऐसा ही होता है, बहुत सारे एपिसोड्स में ऐसा ही दिखाया गया है। तब तीसरी फैक्ट है फिलिक्स के ऊपर कि फिलिक्स की डैड कौन है। तो मैं अब एक बात बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने फिलिक्स जिस एपिसोड में फर्स्ट दिखाया गया था आपने उसे ध्यान से देखा है तो उसकी माँ ने अंत में यही बोला था अब तो इसके डैड भी नहीं रहे इसे शैतानी करने से रोकने के लिए। इसका मतलब उसका डैड मर गया है, ऐसा ही कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी डैड की आइडेंटिटी हमें अभी भी नहीं दिखाई गई है, पता नहीं क्यों। तो जो भी हो, शायद से सीज़न 5 या फिर 6 में हमें दिखाया जाए, ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता दिखाएगी कि नहीं दिखाई है। तो दूसरी बात, जैसे कि हॉकमोथ हमेशा लेडी बग और कैटनर से फाइट इसलिए करता है या फिर अगोमाटाइज विलेन इसलिए बनाता है क्योंकि उसे चाहिए उन दोनों के मैजिकल ज्यूल्स, और हमने देखा है लायला और गैब्रियल एवरेज अक्सर एक दूसरे से बातें करते हैं, मिलते हैं, और गैब्रियल एवरेज हमेशा ऐसा ही बोलता है कि ये करो या फिर एड्रियन से इन लोगों को दूर रखो, ये सब बोलती रहती है। और वैसे ही गैब्रियल एवरेज लेडी बग जो एपिसोड थी, लेडी बग नाम की एपिसोड जो थी, उसमें गैब्रियल एवरेज ने ऐसा ही कुछ बोला था, और लायला ने फिर ये बोला था कि उसके बदले मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल जाएगा ना, हाँ मिल जाएगा। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि लायला खुद के स्वार्थ के लिए ही ये सब झूठ बोल रही है या फिर बोलती है। और एक दूसरी फैक्ट लायला से रिलेटेड,
हमें जैसे कि लेडी बग एपिसोड में दिखाया गया था कि मैरिनेट के ऊपर सभी ने उसको मानना शुरू कर दिया था कि वो चीटिंग की है एग्ज़ाम में, या फिर लायला की नेकलेस चुराई है, सभी ने यही भरोसा किया था। सिर्फ जो आलिया है वही नहीं किया था, और दूसरी बार एड्रियन पूरा कंफर्म था कि ये सब नहीं हो सकता, मैरिनेट ऐसी नहीं है और लायला ही झूठ बोल रही है। तो फिर एड्रियन ने ही तो सब ठीक किया था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एड्रियन मैरिनेट के ऊपर कितना भरोसा करता है, करेगा ही, आखिर में वो उसका लेडीबग जो है। और मैं जानती हूँ आज की वीडियो घटिया बनी है, इसके बावजूद भी आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो इसके लिए थैंक। और अगर आप ये वीडियो होली के दिन देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ हैप्पी होली। और आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो चुकी है तो इसलिए मैं आज चलती हूँ, मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।